जालौन की कौंच तहसील क्षेत्र के कैलिया बुजुर्ग में ग्राम पंचायत सचिव पर वीडियो की मिली भगत से गौशाला के पैसों का बंदरबांट करने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत समाधान दिवस में एसडीएम अतुल कुमार को संबोधित शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई गई। नाम हमारा सोना अर्जुन सिंह कौरव, सहसा योजक। कौन से गांव से? हम सलैया से हैं जी। क्या मामला लेकर के? हम ये मामला लेके आए थे कि जो कैलिया बुजुर्ग में गौशाला है, वहाँ पे साहब बहुत ज़्यादा गौ माता के साथ व्यवहार किया जा रहा है। कोई देख रेख नहीं है, अच्छे से खाना पीने की व्यवस्था नहीं है, और जो माने पोजीशन ख़राब है वहाँ की, और जो मर जाती हैं उनको कुत्ते खा रहे हैं गौ माता को। मर कैसे जाती हैं? क्या कोई डॉक्टर वगैरह नहीं पहुंचता? नहीं, कोई नहीं पहुंचता है। कभी आपने शिकायतें की? मैं 4 बार सचिव साहब के पास गया, 8 बार वीडियो पास साहब के पास गया, लेकिन साहब कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा। हाँ, या हमारे सभी सिंधु परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों को सूचना दी कार्यकर्ताओं ने, तो सब लोगों ने बैठ के सिस्टम बनाया कि चलो सब आए अधिकारियों से बात करें। सचिव है पवन कुमार जाटव। अच्छा। हाँ, तो अभी आप बता रहे हैं कि वहाँ जो खत्म हो जाती है उनका क्या करते हैं? उनको दफना देते हैं, कुत्ता कुत्ते को डाल देते हैं जंगल में, कुत्ते खाते हैं, डली रहती है। हम वहाँ पे गए सर, हमने वहाँ पे वीडियो बनाए, फोटो भी ली, अभी हमारे पास मौजूद भी है, हमारे ग्रुप में भी डली हुई है। नाम साकेत सांडल, जिला उपाध्यक्ष विश्वंदु परिषद। क्या मामला लेकर के आप आए? मामला नदीगांव क्षेत्र में ग्राम कैलिया खुर्द है, वहाँ जो स्थित गौशाला है कैलिया बुजुर्ग वहाँ जो गौशाला है वहाँ बड़ी अव्यवस्था है, और हमारे कार्यकर्ताओं ने पिछली बार भी उनकी शिकायत की थी सचिव महोदय की, को वीडियो महोदय से भी कहा था कि वहाँ काफ़ी मात्रा में गायें भी ख़त्म हुई हैं, तो उनको कुत्ते खा रहे हैं, और स्थिति खाने पीने की बिल्कुल नगण्य है वहाँ पे। इसी की शिकायत आज सभी कार्यकर्ता विश्वंदु परिषद बजरंग दल के नदीगांव से आए, और समाधान दिवस में अधिकारियों के समक्ष ये बात रखी गई आज। क्या ये कुत्ते खाने वाला कोई साक्ष्य है आपके? हाँ, हमारे पास वीडियो है, फोटो है,